वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सी चिकन की अदना कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चिकन ब्रेस्ट का कीमा है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। बिल्कुल वॉश करने के बाद स्ट्रेन कर लिया, अच्छे से छन्नी में रखे और बिल्कुल ड्राई होना ज़रूरी है, जैसे कि सारी कबाबों में मैं कहती ही हूँ। तो चले अब इसको झटपट मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। यहाँ हमारे पास है 1/4 कप हरी मिर्चें, हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई है, मैंने ली थी मेरी 4 हरी मिर्च, तो ये डाल देंगे। अब आप तेज़ी पे भी है, अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल दें, लेकिन इसमें ये हरी मिर्च की तेज़ी अच्छी लगती है। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें, ये डाल देंगे। साथ ही जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ देखें हमारे पास कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स है, एक मेरी स्मॉल साइज की अनियन थी उसको चॉप कर लिया है, एक बेल पेपर है रेड वाली और आधी जो है ग्रीन वाली है, तो ये डाल देंगे बारीक बारीक चॉप की हुई है। और अगर इसमें से ऐसा लगता है जूसेस रिलीज हो रहे हैं तो थोड़ा सा पेपर टॉवल वगैरह रख दें और अब्जॉर्ब कर दें मॉइस्चर को। चले अब साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, अगर ना हो तो अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मैदा फॉर बाइंडिंग एंड टेक्सचर। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 1/2 लेमन, अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास। इन सबको मिला लेंगे। हम चिकन ब्रेस्ट से बना रहे हैं ना, तो इसमें कोई फैट तो है नहीं, तो कबाब में फैट डालने के लिए आप किसी भी किस्म का नेचुरल फैट भी यूज़ कर सकते हैं, चर्बी यानी, तो उससे क्या टेक्सचर भी अच्छा बनेगा और फ्लेवर भी अच्छा बनेगा। और अगर जिनको नहीं डालना है नेचुरल फैट तो वो मेरी तरह डालेंगे, यहाँ मक्खन रखा हुआ है 2 टेबलस्पून फुल, ये डाल देंगे। घी भी डाला जा सकता है इसमें। अच्छे से मिला लेंगे। बाकी इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस जैसे गरम मसाला पाउडर और इस तरह से चीज़ें नहीं पड़ती है, इसी का फ्लेवर से बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल दें थोड़ा, लेकिन ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम कवर करके फ्रिज में रखेंगे। आप रख सकते हैं 1/2 घंटे से लेके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मतलब अगर मैरिनेट कर देना है तो रख भी दें, और अगर आपको फौरन बनाना है जैसे तब आपको 1/2 घंटा तो रखना होगा ताकि ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट भी हो जाए और ये जो हमने फैट डाला है ना वो सेट भी हो जाए ताकि बनाने में ईजी रहे। तो चले इसको किसी भी तरह आप कवर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी टपरवेयर में कर लें, कोई ढक्कन कर लें, क्लिंग रैप कर लें। तो चले इसको रख देते हैं फ्रिज में। देखिए कीमे को मैरिनेट होते हुए 1-1.5 घंटा हो गया है, तो चले लेके आते हैं। अच्छा देखिए हमने यहाँ कैस्ट आयरन का एक पैन जो है वो गरम करने के लिए रख दिया हाई फ्लेम पे। इसको आप कैस्ट आयरन के पैन पे भी बना सकते हैं और किसी भी लोहे का तवा हो या फिर बर्तन हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो उसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे बेचारा इतनी देर तक रहेगा ना, तो अगर स्टील वगैरह हुआ तो वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इस बात को मद्देनज़र रखें,
क्योंकि इसमें चाट के निशान इतने नहीं आएंगे जितना कि अच्छा सा कुक होगा। तो चले अब झटपट कबाब को बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ ठंडा पानी है, उसमें उंगली थोड़ी सी डुबोएंगे और एक पोर्शन ले लेंगे और इसकी पहले एक कबाब ही बना लेंगे। थोड़ा सा हथेली में भी ठंडा पानी लगा सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको वुडन स्क्यूवर में भी बना सकते हैं, चाहें तो मेटल की छोटी मोटी कोई भी सलाख आपके पास मौजूद हो उसमें बना सकते हैं। और मैं ये मेरे पास इतनी जायंट सलाख रखी भी है तो मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए उसमें बनाऊंगी, लेकिन बनाना ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली हमने एक कबाब का शेप दे दिया है, आप सलाख उठाएंगे और इसमें यूँ डाल देंगे। इस तरह से डाल देंगे, एक्सेस जो है ले लेंगे, क्लीन कर लेंगे और अब इसको हाथों से फैलाएंगे और ये ठंडा पानी जो है इसकी हेल्प लेंगे और उससे बनाते जाएंगे। बेसिकली हमें कबाब इतनी लंबी बनानी है जितना हमारा पैन की साइज़ है, पैन की साइज़ से बड़ी नहीं बनाएंगे, उसके अंदर रहे इतना बनाएंगे। अब ये जो शेप आता है जो कबाब को खूबसूरत बनाता है उसके लिए बेसिकली हाथ डुबोएंगे और ये अंगूठा इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। और इस तरफ भी कर लेंगे और कॉर्नर्स जो है वो इस तरह से लेवल कर लेंगे, इस तरह से। बस वेरी सिंपल। अब इसको हम पैन के ऊपर रख देंगे इस तरह से, फुल हाई फ्लेम पे। अब आपकी सपोज सलाखें आप सोचेंगे कि छोटी है, तब आप क्या करेंगे कि जो भी आपका पैन है ना उसको आपको लंबाई को कम करनी है ना, तब आप क्या करेंगे, ये जैसे यूँ रखा, अब आपकी सलाख छोटी है तो इसके ऊपर यहाँ तक आ जाएगी, या यहाँ रख दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। आपको अपनी साइज़ खुद ही पैदा करनी है कोई भी एक सलाख रख के या कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ रख के। तो चले बस इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं। 4 मिनट तक छेड़ेंगे ही नहीं, एक ही साइड पर रहने देंगे। जैसे अवन प्री हीट करते हैं ना, इस तरह हमें ये पैन प्री हीट करना है। तो बस इस तरह से बना बना के रखते जाएंगे। तो देखिए एक साइड 4 मिनट हो गई है, तब हम पलट के 4 मिनट अदर साइड करेंगे। और उसके बाद जब पलटेंगे तो 10-10 मिनट ईच साइड, तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, पहले हमने एक साइड 4 मिनट रखा, फिर दूसरी साइड 4 मिनट रखा और अब एक साइड 10 मिनट हो गए। तब हम क्या करेंगे, ये ऑयल वाला ब्रश लेंगे और इस साइड पे लगाएंगे और इसको पलट देंगे। अब पलट के उस साइड पे लगाएंगे। आहा, क्या देखे, शानदार हो गया है। ये देखिए, मानते हैं आप कैसी खतरनाक लग रही है। अब यहाँ भी ब्रश कर लेंगे ऑयल का। और बाकी जो अमेजा बचा था ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि उसमें हमने बटर डाला है ना,
तो वो बटर जो है वो आमेजे को एक सख्ती के साथ रखेगा, और अगर बाहर रखेंगे तो बटर मेल्ट हो जाएगा, तब आपके कबाब जो है वो सही नहीं बनेंगे, टूटेंगे। तो टेक्निकली मैंने ये क्यों इस तरह से किया, 4 मिनट यूँ 4 मिनट यूँ 10 मिनट यूँ, इसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो है वो नेचुरल फैट तो था नहीं, तो अब क्या है हमें गोश्त को थोड़ा सा फर्म करना है, चिकन के मीट को, तब क्या है एक 4 मिनट हमने हीट अप कर दिया तो वो क्या वो साइड फर्म हो गई, अब अनदर साइड 4 मिनट किया वहाँ भी फर्म हो गई, अब आप बिंदास 10 मिनट करें, लेकिन डालते के साथ आप जैसे फ्लिप करेंगे तब क्या वो पकी भी नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा कि हीट मिली है उसको, तो फैट जो है वो पिघला है बटर का, तब वो टूट सकती है, तब 4 मिनट आप छेड़े ही नहीं, 3 से 4 मिनट, उसके बाद आप मज़े करें। देखिए अनदर साइड भी 10 मिनट हो गई है, अब इसको हम लेते हैं और निकालते हैं, एक कोई भी नैपकिन वगैरह पकड़ते हैं उससे निकाल लेते हैं। हाँ, क्या खतरनाक धुआंधार। अब इसको 2-3 जो हमारी बची हुई है उसको चढ़ा देंगे। अब सबको थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर देंगे, इससे क्या मॉइस्ट भी रहेगी और शाइनी शाइनी मज़ेदार सी लगेगी। अब जो हम हैं इसका साइड बना लेते हैं, एक सैलेड टाइप की चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये एक प्याज कटी हुई है, ना बारीक है ज़्यादा ना मोटी है, इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून तेल, इसको मिला लेंगे। तो ये बन गई इसके साथ खाए जाने वाली प्याज। तो देखा कैसे झटपट हमारी खुशबूदार खुशनुमा खतरनाक सी अदना कबाब बन गई, और अब मैं ट्राई करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि लग कैसी रही है। माइंड ब्लोइंग, इतनी सॉफ्ट है अंदर से और इतनी जूसी है और इतने खतरनाक मसाले चढ़े हैं। मैं सच में आप लोगों को खतरनाक मिस कर रही हूँ, और खुशबू भी पूरे घर में इस कदर आ रही है। ये देखें एक दफा और आप ये देखें कितनी जूसी है, और ये आप लोगों के लिए कातिलाना खतरनाक। जब ये रमजान में आप बनाएंगे ना, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा अर्ली नहीं बनाइएगा, बहुत लेट बनाइएगा, वरना तो इस कदर आपको रोजा लगेगा ना पूरे महल्ले को लगेगा, बल्कि इतनी खुशबुएं आ रही है और ऐसा जायका है, ऐसा टेक्सचर है, बनाना बनता है। तो जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।